पहले आप एक बार विंडो से देख लो, उसके बाद फिर मैं बाहर जाके आपको दिखाऊंगा। स्लो मोशन भी अभी जो है स्नोफॉल काफी तेज हो गया है, आपको दिख रहा है, और सारी गाड़ियां जो है फंसी पड़ी हुई हैं। शायद एक तो सुनने में आया कि खाई में भी गिर गया। हेलो, आई एम योर ड्राइवर। तकरीबन एक घंटा हो गया हम लोग यहीं पे फंसे हुए हैं। ठंड की वजह से सो नहीं पाया, इतना ज़्यादा ठंड था ना, मैं क्या बताऊँ, बताने लायक कोई वर्ड ही नहीं मेरे पास। और कल रात का व्यू थोड़ा डिफरेंट था और अभी का व्यू थोड़ा डिफरेंट है। मैं जब सुबह सो के उठा, विंडो का जो फॉग हो रखा था विंडो, वो उसको मैंने क्लियर किया, और जब मैं बाहर देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता मालूम है, आपको दिखाता हूँ। पहले आप एक बार विंडो से देख लो, उसके बाद फिर मैं बाहर जाके आपको दिखाऊँगा। ये हाल है बाहर का, और ये स्नोफॉल कल रात से हो रहा है, आप देख सकते हो। और ये स्नोफॉल भी हो ही रहा है, धीरे धीरे स्नोफॉल हो रहा है, और ये कल रात से चल रहा है। आपको बाहर चल के दिखाता हूँ, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ठंड है ना कि बैटरी जो है ड्रेन आउट हो जा रहा है। तो मैं व्लॉग जो है थोड़ा संभल के करूँगा, क्योंकि मेरे को पूरा व्लॉग कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि बीच रास्ते में बैटरी ख़त्म हुआ फिर कुछ भी ना कर पाए। तो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचुंग सिक्किम, और नमस्ते सत श्री अकाल, कैसा है आपका हाल चाल? आई गेस यू गाइज आर एब्सोल्युटली डूइंग वेल। और अभी थोड़ा बाहर चलते हैं, बाहर चल के देखते हैं कि बाहर का नज़ारा कैसा है। अभी जो है स्नोफॉल काफी तेज हो गया है, आपको दिख रहा है, और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, क्योंकि कल रात को व्यू जो था थोड़ा डिफरेंट था। कल रात को बर्फ बिल्कुल भी नहीं थी, और आज जो है बर्फ भर भर के चारों तरफ। तो आज का व्यू कुछ मेरे पीछे तो ऐसा है, आप देख सकते हो चारों तरफ। और मैं इतनी बार आया हूँ लाचुंग में, लाचेन इतनी बार आया हूँ, लेकिन ऐसा स्नोफॉल मेरे को कभी नहीं मिला। ये मेरे को पहली बार मिला इतना अच्छा स्नोफॉल। तो अभी जो है हम लोग को जो जाने का बात था, हम लोग जो जाएंगे कहाँ, यमथंग वैली और जीरो पॉइंट का कटाव सारा कैंसिल हो गया, परमिट नहीं मिलेगा वहाँ तक जाने का, रोड ब्लॉक हो चुका है। तो अभी हम लोग जो है ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। तो फिलहाल जो है चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो है फंसी हुई है, जितना सारा कैब है ना सब फंसा हुआ है, कोई भी चेक पोस्ट क्रॉस तक नहीं कर पाया है, और अभी भी स्नोफॉल हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ठंड है यहाँ पे, और हमारे पीछे का कैमरे के पीछे का व्यू ऐसा है, स्नोफॉल हो रहा है अभी भी, और सारी गाड़ियाँ जो है फंसी पड़ी हुई हैं। शायद एक तो सुनने में आया कि खाई में भी गिर गया, मतलब ऐसा वेदर कंडीशन है, तो हम लोग ऐसे रुके हुए हैं। और भैया भी बोल रहे हैं तो भैया भी बोल रहे हैं कि आज पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग को रुकना पड़ेगा। और जितनी सारी कैब निकले ना सब की सब फंसी पड़ी हुई है, तो हम लोगों को आज यहीं पे रुकना बेटर होगा, क्योंकि जितने लोग हैं कैब में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि वो लोग होटल भी चेकआउट कर चुके हैं, तो अब लोग वापस भी नहीं जा सकते। तो हम लोग ऊपर वाले की रहमत है कि हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं, और हम लोग हैं इसीलिए हम लोग गाड़ी में फंसे बैठे रहते और फंसे रहते हैं। सुबह से वेट करने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं, और काफ़ी लेट हो चुका है, अभी तकरीबन 4:30-5 बजने को आए हैं, और सब कोई कभी कोई बोल रहे जाएंगे, कभी कोई बोल रहे नहीं जाएंगे, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा था। तो भैया ने पुलिस वाले से बात की, और अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो ऊपर वाले की रहमत से हम लोग बाइक सेफली पहुँच जाए, वही बहुत है। तो अब मैं आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ कि कितना स्नोफॉल हुआ कल से। Every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow me down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've
so sorry, but I'm not able to slow down now. हम लोग अभी फंसे हुए हैं और तकरीबन एक घंटा हो गया हम लोग यहीं पे फंसे हुए हैं, क्योंकि स्नोफॉल हैवी है और आर्मी वालों ने रिक्वेस्ट करके बोला था कि मत जाओ, आगे रिस्क है, बट हम लोगों को आना था क्योंकि आप समझ सकते हो कल हम लोगों का टिकट है, तो इसीलिए हम लोगों को आना पड़ा। और हम लोगों के साथ कैब में और भी 3 लोग हैं, उनका भी टिकट है ट्रेन का, बट मैंने सोचा कि हम लोग रुक जाते हैं आज, बट आज रुकना, हम लोग 7 लोग तो रुकना चाहते थे, बट वो जो 3 लोग थे उनके चलते हम लोगों को आना पड़ा। उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि चलो चलो भैया, तो इसीलिए अभी जो है सामने में भी आप मेरे पीछे देख सकते हो कैब फंसा हुआ है और इधर भी देख सकते हो पूरा फंसा हुआ है, तो लंबा ट्रैफिक है। तो अभी जो है वेट कर रहे हैं, जब खुलेगा तो निकलेंगे। हम लोग यहाँ फंस चुके हैं और एक और एक और पहुंचे हैं और रात के 12 बज रहे हैं। तो अभी जो है हम लोग, मेरा और धृति का जो रूम है वो 3rd फ्लोर पे है और बाकी सबका जो 5 लोग एक साथ एक रूम में जो सो रहे हैं वो लोग, उनका ऊपर टॉप फ्लोर पे है और खाना भी जो है यहाँ पे लग चुका है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं समीर भाई और श्रीवास दा का, तो वो लोग आएंगे, खाना खाएंगे और खाना खा के फटाफट सब चेंज करके सोएंगे, क्योंकि कल सुबह जो हम लोग को निकलना है सिलीगुड़ी के लिए, क्योंकि सिलीगुड़ी से हम लोगों का बस, सिलीगुड़ी से बस रहा, तो सिलीगुड़ी से हम लोगों का बस है। कितने बजे का बस है सूरज? 6:45 का बस है। कौन सा शामली बस बुक हो चुका है? बस बुकिंग सब हो चुका है, सिर्फ हम लोग को सुबह निकलना है। सुबह कितने बजे निकलेगा? ब्रेकफास्ट करने के बाद ही निकलेंगे ना? हाँ वही 10 बजे तक। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद ही निकलेंगे, तो फिलहाल अभी जो है डिनर कम्प्लीट करते हैं और कम्प्लीट करके सोते हैं, क्योंकि और बॉडी में बिल्कुल भी किसी के भी बॉडी में एनर्जी नहीं बचा हुआ है।